हेलो दोस्तों, वेलकम टू ASR एजुकेशन। हम दोस्तों इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों हम बात करने वाले हैं 9 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में, जहां पे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे लिए गए हैं इस वीडियो में। दोस्तों करते हैं स्टार्टिंग। उससे पहले आज के हम क्विक रिविजन के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि कल की वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। तो खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? वह नितिन गडकरी जी। क्वेश्चन नंबर 2, अभिनय दिलीप कुमार को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? आंसर 1994। एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड में एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? कोरन एयर को। जेम्स व्हाइट हाउस ने किस कंपनी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया? आपको बताना है आंसर IBM। किस ऐप ने पोस्टपेड मिनी स्मॉल टिकट लॉन्च किया? आंसर Paytm। भीड़ भाड़ वाले नेविगेशन ऐप वेज की CEO कौन बनी? आपको बताना है नेहा पारी किसकी बनी है। सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मंत्रालय बनाया गया? आंसर सहयोग मंत्रालय। दोस्तों बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बनने जा रहा है? आपको बताना है दोस्तों कहां बनने जा रहा है। दोस्तों आपका आंसर होने वाला है यहाँ पे जयपुर में, यानी कि जयपुर में बनने जा रहा है आपका स्टेडियम। दोस्तों अहमदाबाद में जो स्टेडियम है वो है आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो भारत का पहला सबसे बड़ा स्टेडियम है। दूसरा है आपका जयपुर में जो बनने जा रहा है, ये देखना, ये लोग इसके अध्यक्ष हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने 100 करोड़ रुपये दिए हैं, यानी कि BCCI ने इसको 100 करोड़ रुपये दिए हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने इसको दिए हैं 90 करोड़ रुपये। कितने? 90 करोड़ रुपये दिए हैं। और जो 100 करोड़ रुपये दिए हैं वो बैंक से इस स्टेडियम के लिए लिया जाएगा, यानी कि बैंक देगा 100 करोड़ रुपये इसको। तो यानी कि 100 करोड़ बैंक देगा, 90 राजस्थान क्रिकेट देगा और 100 करोड़ रुपये ये देगा। तो टोटल मिला कितने बैठेंगे? 290 करोड़ रुपए आपके बैठेंगे यहाँ पे, आपको ध्यान रखना है। दर्शकों के बैटिंग क्षमता होगी वो होगी आपकी 75,000, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मंत्रिमंडल में 43 मंत्रियों का फेरबदल हुआ, इनमें से कितने मंत्रियों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली? आपको बताना है दोस्तों। आंसर आपका होने वाला है 15 मंत्रियों को इसमें जगह मिली है, 15 मंत्रियों को इसमें जगह मिली। आगे बढ़ते हैं, ये देखना, मोदी जी हैं और इनके मंत्रिमंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फिच रेटिंग्स के अनुमान के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहने वाली है? आपको बताना है कि जो विकास दर वो कितने प्रतिशत रहने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है 10% यहाँ पर रहने वाली है, आपको ध्यान रखना है। देखना फिच रेटिंग्स हैं, इसने रेट किया है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में डिजिटल भुगतान करने वाली किस ऐप ने मंडाटे HQ लॉन्च करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है? तो आपका आंसर, तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है, आपका आंसर होने वाला है दोस्तों रोजर पे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होने वाला है। रोजर पे ने इसके साथ लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है। किसके साथ? मास्टर कार्ड के साथ, ये आपको ध्यान रखना है, ये रोजर पे ऐप है। रोजर पे की स्थापना 2013 में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। इसके जो CEO हैं वो हर्षिल माथुर हैं, मुख्यालय इसका बेंगलुरु में, आपको ध्यान रखना है। मास्टर कार्ड का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है और मास्टर कार्ड के जो अध्यक्ष हैं वो माइकल मीबेक हैं, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में ओलंपिक स्वर्ण विजेता केशव दत्त का निधन हो गया, ये निम्न में से किस खेल से जुड़े हुए थे? दोस्तों आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ये आपके हॉकी से जुड़े हुए थे, आपको ध्यान रखना है। दस साहब हैं ये देखो आप, पहला स्वर्ण पदक विजेता, मतलब जो पहला स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने वो लंदन के वेम्बली स्टेडियम में जीता था। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हो गया? आपको बताना है जो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह इनका निधन हो गया, तो ये किस राज्य के पूर्व CM थे? तो आपका आंसर दोस्तों यहाँ पे होने वाला है हिमाचल प्रदेश। दोस्तों आपको जो ऑप्शन नंबर डी है सही होने वाला है, यानी कि हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे ये वीरभद्र जी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के चौथे, आपको ध्यान रखना है, चौथे और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री थे, आपको ध्यान रखना है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह 6 बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। कितनी बार? 6 बार राज्य में 6 बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं और ये आखिरी बार 25 दिसंबर 2012 से 26 दिसंबर 2017 तक के मुख्यमंत्री पद पर विराजमान रह चुके हैं, इनका आखिरी कार्य है। आगे क्वेश्चन, हाल ही में किस अर्थशास्त्री को प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड सम्मानित किया गया? आपको बताना है कि किस अर्थशास्त्री को हम्बोल्ट अवार्ड मिला है। दोस्तों आपका आंसर होने वाला है कौशिक बसु,
कौशिक बसु जी को अर्थशास्त्री का जो है हम्बोल्ट पुरस्कार मिला है, और जमटते से हैं इनको दोबल पुरस्कार। ये कौशिक बसु जी हैं। बसु को यह पुरस्कार जर्मनी के हैमबर्ग में बुसेरियस लॉ स्कूल के प्रोफेसर डॉक्टर हंस बर्ड शेफर द्वारा दिया गया। बसु वर्तमान में कार्नेल विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अरविंद सुब्रमण्यम जी हैं। भारत के जो मुख्य सलाहकार हैं वो अरविंद सुब्रमण्यम जी हैं। उनका कार्यकाल अक्टूबर 2014 से लेकर अब तक चल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ये विश्व बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री व 2009 से 2012 तक भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। कौन? कौशिक बसु जी जो आर्थिक सलाहकार हैं वे हैं अर्थशास्त्री, इसके रूप में काम भी कर चुके हैं। बसु भारत में तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा? पद्म भूषण से नवाजे जा चुके हैं, यानी कि इनको अवार्ड मिल चुका है। हाल ही में किन दो शहरों को 2022 महिला एशियाई कप की मेज़बानी करने का मौका मिला? आपको बताना है 2022 महिला एशियाई की जो मेज़बानी वो कौन से दो शहर कर रहे हैं, आपको बताना है। मुंबई और पुणे, ये दो जो शहर हैं ये 2022 महिला एशियाई कप की मेज़बानी करने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है। ये देखो AFC वुमेन्स एशिया, मुंबई के अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के फुटबॉल एरिना में और पुणे के बालेवाड़ी में शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को नए स्थानों में जगह मिली है, और ये दोनों जगह कहाँ पे हैं? मुंबई में और पुणे में, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में बॉलीवुड सेना ने अपने फायरिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है? आपको बताना है कि भारतीय सेना ने अपने फायरिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है? दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, विद्या बालन के नाम पर जो है इन्होंने अपनी फायरिंग रेंज का नाम रखा है, ये आपको बताना है। ये विद्या बालन है, और विद्या बालन फायरिंग रेंज जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। गुलमर्ग पूछ लेते हैं कि कहाँ पे है, तो आपको बताना है कि गुलमर्ग में स्थित है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जोवेनल मोइस के घर में घुसकर हत्या कर दी गई? हैती के हैं रहने वाले वे, या अल्जीरिया के, सीरिया के, या तुर्कमेनिस्तान के? तो दोस्तों इसका आपका सही आंसर होने वाला है ये, हैती के वे रहने वाले हैं, तो आपको ध्यान रखना है आंसर हैती होने वाला है। ये हैं आपके राष्ट्रपति। हैती की राजधानी दोस्तों आपकी पोर्टो प्रिंस है। मुद्रा हैतियन गोरते हैं। महाद्वीप यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है। अब दोस्तों पिछली वीडियो के क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, तो लास्ट वीडियो का जो आंसर था अमेज़न के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया, ये पूछा गया था दोस्तों, तो आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एनडी जैसे आपका सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ द डे, फ्लिपकार्ट के साथ कैश ऑन डिलीवरी भुगतान को डिजिटाइज करने के लिए साझेदारी किसने की है, आपको बताना है। तो आपको फ्लिपकार्ट का कैश ऑन डिलीवरी भुगतान को डिजिटाइज करने की साझेदारी किसने की है, आपको बताना है इसका आंसर। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को शेयर करना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। टेक केयर, बाय बाय।